सेवेंथ क्लास एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 बाय योर टीचर द्विंदर कौर। क्वेश्चन नंबर 3 में है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। अब यहां पर आप देखो माइनस की जगह ना फ्रॉम लिख रखा है, ठीक है। तो हमने जो है छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर -5 फ्रॉम, सॉरी ये प्लस का लगा लो, और यहां पर 12 हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर ना राइट वाला नंबर लेफ्ट पे आ जाता है, लेफ्ट वाला नंबर राइट पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं? फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ठीक। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। अब देखो ये 12 इधर आ जाएगा, इस फ्रॉम की जगह लग जाएगा माइनस, और ये 5 आ जाएगा इधर। तो 12 में से 5 माइनस कर दोगे, 7 आंसर आ जाएगा। सेम यही वाला ट्रिक, यही वाला रूल हम यहां पर अपने क्वेश्चन नंबर 3 में लगाने वाले हैं, ठीक। तो यहां पर ये चीज है, अब देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर इसी फॉर्मूले को, इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो यहां माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, फ्रॉम का मतलब माइनस हो जाएगा, और यहां पर -5y² हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये तो हो जाएगा प्लस -y² माइनस, ये माइनस तो इसका है, ठीक है, ये माइनस इसका है, और यहां पर 5y² हो गया। ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, लेकिन 5 हमारा प्लस का रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा। तो बड़ी वाली डिजिट तो हमारी प्लस की हो गई थी, क्योंकि यहां माइनस था, बाहर माइनस था, तो ये प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा +6xy² तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब हम करेंगे, यहां मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था सॉल्यूशन, तो यहां पर पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो 6xy फ्रॉम -12xy, तो -12xy -6xy, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे साइन के अकॉर्डिंग। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हमारा, तो करेंगे इसको प्लस, तो ये आ गया, और बड़ी वाली डिजिट का साइन लग जाएगा, तो मेरा आंसर ये आ गया, ठीक। पार्ट 3, प्लस ये वाला नंबर इधर आएगा, है ना, ये वाले नंबर इधर आएंगे, और ये इधर चला जाएगा माइनस, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर वाला साइन होने वाला चेंज। तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक। अब आप देखो a से a कट गया, ये प्लस का a था, ये माइनस का a था, तो लाइक टर्म्स थी, 1 - 1 जीरो हो जाएगा। यहां बचा प्लस बी और प्लस बी, तो आंसर आ गया 2b, क्लियर। यहां पर फोर्थ पार्ट देखेंगे अब हम। फोर्थ पार्ट में देखो, पहले ये हम पीछे भी कर चुके हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे, बीच में फ्रॉम रखेंगे, ठीक है। ए बी माइनस 5a फ्रॉम 5b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 5b, और माइनस ए बी। अब ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी इधर, तो आ जाएगा 5b माइनस ए बी, फ्रॉम की जगह आएगा माइनस, और इधर वाली टर्म को हम रखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे, माइनस 5a। 5b माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस 5a, ठीक। इसके बाद यहां पर लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो, बी कोई है नहीं यहां पर, ये ए बी है और ये भी ए बी है, ठीक, और ये 5a है, तो प्लस 5a प्लस 5b माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो ये माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 1ab 2ab हो जाएगा। तो प्लस 5a प्लस 5b ये तो एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकते, और इसके बाद ये हो जाएगा -2ab, माइनस माइनस प्लस करेंगे और साइन आएगा कॉमन, ठीक। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में है, इस पूरी टर्म को
इधर ले जाएंगे 4m का स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, इसका तो कुछ चेंज नहीं होगा साइन वाइन, ठीक है, फ्रॉम या माइनस जो भी आप लगाओगे, अगर माइनस है फ्रॉम है तो इसके साइन चेंज होंगे, तो हम यहां पर माइनस m का स्क्वायर प्लस 5mn, ठीक। अब यहां पर इसके होंगे साइन चेंज, तो 4m का स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, अब यहां पर साइन होगा चेंज, यहां पर हो जाएगा, अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस m का स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हो जाएगा ये माइनस 5mn। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, 4m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस 3mn माइनस 5mn और प्लस 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर माइनस 8mn, क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 सिंगल है तो सॉल्व नहीं होगा। यहां पर फिफ्थ पार्ट भी मेरा पूरा हो गया, तो यहां पर जो है हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट मैंने यहां सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन 3 का जो है 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हम 6th, 7th और 8th पार्ट करेंगे। चलिए 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में यहां पर फ्रॉम का नंबर इधर आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहां होंगे साइन चेंज, बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर लाइक टर्म्स इकट्ठा करेंगे, 5x माइनस 10x और ये माइनस 10 प्लस 5 और प्लस x का स्क्वायर, पहले x का स्क्वायर रखते हैं क्योंकि x की पावर ज्यादा है यहां पर, ठीक है। और इसके बाद जो है इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 5x आएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस करना माइनस है, बड़ी वाली डिजिट का साइन माइनस आ जाएगा, यहां पर भी वैसे ही प्लस माइनस माइनस और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अब हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट में राइट वाला लेफ्ट में रखेंगे, पहले लेफ्ट वाला राइट में और बीच में माइनस का साइन, तो 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 5a का स्क्वायर माइनस 7ab और प्लस 5b का स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, 3ab माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस। अब करेंगे लाइक टर्म्स इकट्ठी, तो ये 3ab और ये 7ab, 3ab और प्लस 7ab, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 5a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर और माइनस 5b का स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, प्लस है ये दोनों, तो 10ab हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस करके आ जाएगा 7a का स्क्वायर, बड़ी वाली डिजिट का साइन लग जाएगा, यहां पर भी माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी वाली डिजिट का साइन लग जाएगा, तो यहां पर यही मेरा आंसर रहेगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में डिजिट्स लिखेंगे हम, माइनस ब्रैकेट 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p का स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, माइनस 4pq माइनस माइनस प्लस 5q का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3p का स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी, 5p का स्क्वायर
प्लस 3 पी का स्क्वायर प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 5 क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू और माइनस 4 पी क्यू। क्लियर? ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 पी का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 8 क्यू का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 हो गया और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 12.2 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट्स हैं। पहला ए पार्ट जो है, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करें इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर क्या ऐड करें हमें टू ऑब्टेंड का मतलब इज इक्वल टू में हमें ये मिल जाए। तो हम मान लेते हैं ए ऐड करेंगे हम, तो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर, ये तो हमें गिवन है, इसमें हम ऐड कर देते हैं ए। टू ऑब्टेंड का मतलब है इज इक्वल टू, टू ऑब्टेंड का मतलब है इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें, ये टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy। देखो अब हमें a निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस a को तो यहीं छोड़ देंगे और इसको उठाकर इधर माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस हो रहा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस ब्रैकेट में x का स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगी क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये और ये इकट्ठा हो गया। इसके बाद प्लस 3xy, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इकट्ठी हो जाएगी माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 में से 1 गया 2xy और यहां पर आ जाएगा y का स्क्वायर, आंसर आ गया। तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे, हम इसमें a की ये वैल्यू प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का a पार्ट फिनिश हो गया, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 b पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का b पार्ट बोलता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इस पार्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए। टू गेट का मतलब इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट का मतलब उसको माइनस ए कर देते हैं, जैसे 2a प्लस 8b प्लस 10 में से a को माइनस करा तो हमें मिल जाएगा ये, तो हमें इस a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो a है यहां माइनस का, तो मैंने आपको पहले भी बताया था अल्फाबेट के साथ कभी भी माइनस नहीं आता, तो इस a को उधर ले जाएंगे हम। ठीक है, ये a उधर जाएगा तो ये वाली इक्वेशन इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि ये सपोज करो ये पूरी प्लस की है तो उधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहां पर लिखेंगे 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस ब्रैकेट माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। अगर बाहर माइनस आ गया दैट मीन्स अंदर वाले साइन चेंज होने वाले हैं। अब ये a माइनस का था, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का a। ठीक है, अब बस हमें सॉल्व करना है इसको, साइन चेंज करेंगे पहले, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू ए। ठीक, अब लाइक टर्म से इकट्ठी करो, 2a 3a 2a प्लस 3a 8b माइनस 7b तो प्लस 8b माइनस 7b प्लस 10 और माइनस 16 इज इक्वल टू ए। अब इनको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a, दोनों प्लस के थे, यहां पर एक प्लस का एक माइनस का तो मतलब माइनस होगा, ये हो गया 1b और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा। यहां पर दोनों प्लस माइनस माइनस होगा, 6 आ गया और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा इज इक्वल टू ए। तो यही मेरा आंसर है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5।